अमृतपाल की गिरफ्तारी तो बाद पंजाब च हाई अलर्ट के मद्देनजर चप्पे चप्पे ते पुलिस तैनात की गई है। सूबे नाल लगदियां हद्दां ते चौकसी वधा दी गई है। इस दे नाल ही सुरक्षा घेरा मजबूत करते हुए अमन कानून की स्थिति कायम रखने के लिए पुलिस वालों केंद्रीय बलों के सहयोग नाल फ्लैग मार्च किया गया। बीते दिन अमृतपाल सिंह की सवेरे हुई गिरफ्तारी तो बाद पुलिस वालों लोगों को अमन कानून की स्थिति कायम रखने और समाज विरोधी अंसरों के मना ते पुलिस का डर बनाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया, जिस विच केंद्रीय बलों की शमूलियत भी रही। ADGP SPS परमार और जिला पुलिस मुखी गुलनीत सिंह खुराना दी हिदायतों से पुलिस वालों फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके SP अजय गांधी ने फायर ब्रिगेड चौंक नज़दीक पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि अमन कानून की स्थिति कायम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह के नाल चौकस है और काम कर रही है और चप्पे चप्पे से पुलिस मुलाजम तैनात कर दिए गए हैं, हर पक्ष तो निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में किसी को भी अमन शांति भंग करने की इजाजत नहीं होगी और माहौल खराब करने के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पब्लिक को अपील की कि वह किसी भी व्यक्ति की पहचान होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने झूठ दी अफवाहों फैलाने वाले शरारती अंसर झूठिया खबरें फैलाने वालों को भी सुचेत करते हुए कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दसिया कि जिला बठिंडा के नाल लगदिया होरना सूबों दी हदां ते भी चौकसी वधाई गई है और आने जाने दे वाले वहीकलों की चैकिंग की जा रही है। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।